जनपद पंचायत सभागार में आज खरगोन SDM सत्येंद्र सिंह ने पहली ब्लॉक स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक ली। बैठक में SDM सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण 23 केस सक्रिय हैं, जिसमें यह रेड जोन में है, इसलिए हम सभी को मिलकर लोगों को वैक्सीन लगवाने और सैंपल देने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें कोरोना से निपटने के लिए अपने आचार विचार भी ठीक करना होगा। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, हमारा मुख्य उद्देश्य संक्रमण रोकना है। साथ ही सर्दी खांसी के पीड़ित छुपाए नहीं, इसकी जांच करवाए। जनपद CEO पाटीदार ने किल कोरोना अभियान की विस्तार से जानकारी दी। वहीं समिति के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। सिकावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आज बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए? कोरोना के संबंध में बैठक की ये थी, ब्लॉक लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट की पहली बैठक थी। इसमें सभी माननीय सदस्यों को बुलाया गया था। हमारे जितने शासकीय सदस्य वो भी सब आए थे। और अभी तक जो सेगांव ब्लॉक में कोरोना के ऊपर जो हम लोगों ने नियंत्रण करने के लिए जो कार्रवाई की है, उसका हमारे CEO साहब के ओर से उसका प्रस्तुतिकरण किया गया। और अभी वर्तमान में स्थिति काफ़ी संतोषजनक पाएगी। अभी आज की स्थिति में संपूर्ण जनपद क्षेत्र में 37 जो ऐसे केसेज हैं जो सक्रिय हैं कोरोना के, और लगभग 95% जनता जो किल कोरोना टीम का अभियान चल रहा है उसके तहत सर्वेक्षित हो चुकी है। और उसमें लगभग 200 लोग हमारे संदिग्ध मरीज आए हैं, जिनका कि हम लोगों ने सैंपल भी किया है। और आपके माध्यम से मैं दो अनुरोध भी करना चाहूँगा जनता से कि जो भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार की अगर ऐसी सिम्टम है, तो ज़रूर हमारी जो किल कोरोना की टीम जा रही है, जो हमारी डॉक्टर्स की टीम जा रही है, MME की जो टीम जा रही है, उसको ज़रूर बताएं, छुपाए नहीं। जितना आप जल्दी बताएंगे उतनी बीमारी से हम लोग निजात पाएंगे। और दूसरा अनुरोध है टीकाकरण को लेकर, कि हम लोगों ने टीकाकरण के जो दो हमारा सेशन साइट चल रहा है, इसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। एक हम कर रहे हैं दसनावल में और दूसरा गंधावल में, तो ये भी करेंगे। आगे से जो भी और भी मांगे टीकाकरण के लिए, हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे। सभी से अनुरोध है कि इस अभियान को सफल बनाने में आप सहयोग दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।